हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे वेक्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज का सारा ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेक्टर ए दिया होकर है ना, बिंदु इतना का स्थिति सदिश बताइए। तो एक दो तीन का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, टू वन आई प्लस में 2j प्लस में 3k क्या, तो 1 इंटू वाई क्या मिलेगा 1। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ए ए। और दूसरा में क्या कह रहा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का इसका मापांक ज्ञात करने के लिए, मतलब इसका मॉड, इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थ्री में क्या करा, सदिश इतना का एक्स आई बाय जे जेड के का दिक अनुपात पूछ रहा है। इसका दिक अनुपात क्या होता है, आई के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट जेड। इसमें ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फोर, क्या करा ना, एक्स और वाई का मान क्या होगा, सदिश इतना तथा इतना क्या है बराबर, ये दोनों सदिश बराबर, आई टू आई प्लस थ्री जे कैप इक्वल टू, ये किसके बराबर है, एक्स आई प्लस में वाई जे कैप के बराबर है। तो हम लोग दोनों बराबर सदिश है, आई के गुणांक आई के बराबर तो क्या हो जाएगा टू बराबर एक्स, जे के गुणांक जे के बराबर तो थ्री बराबर वाई। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा, ए। और ये देखेंगे इसका कहा जा रहा है मापांक ज्ञात करने के लिए, मापांक ज्ञात करना बड़ा आसान है, यहाँ पे आई के गुणांक क्या है वन, तो वन का स्क्वायर वन, और जे के गुणांक क्या है दो, तो दो का स्क्वायर चार, और बाई के गुणांक क्या है ना पांच, तो पच पचे पच्चीस, इसको जोड़ लेंगे तो पच्चीस अच्छा उनतीस उनतीस इकतीस क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करा, अति ए और बी दो बिंदु का स्थिति सदिश पूछा जाता है, इसका स्थिति सदिश बताइए, मतलब ए बी, तब वेक्टर ए बी हम लोग सूत्र जानते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किया, तो हम लोग यहाँ पे इसका ए बी वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, तो इसमें क्या ना ए को इसमें घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा फोर आई, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना, पहले बी लिख देंगे फिर ए लिखेंगे और घटा देंगे, और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में टू आई आ जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे प्लस में फोर जे कैप, ये जे कैप और ए के कैप ये हो गया, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, इसमें ऑप्शन नंबर है, इसको बनाया इस तरीके से ध्यान दो, बी बी लिख दिया यहाँ पे क्या ना टू आई माइनस जे प्लस में सिक्स के कैप, और माइनस में वेक्टर ए लिख दिए, वेक्टर ए क्या माइनस में टू आई प्लस में जे कैप टू के कैप, और इसको घटाएंगे तो ही आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। तो क्वेश्चन नंबर सेवन समझिए, क्या करना, बिंदु इतना और का स्थिति सदिश कर रहा है, इसका स्थिति सदिश बहुत ही सिंपल है, जानते हैं क्या ना हम लोग आई और जे और के लगा लेते हैं प्लस में जेड के, तो इस बिंदु में अगर आई जे और के लगा दे तो क्या बन जाता है, इसका स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, डी। करा इस वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, इसका क्या ना स्क्वायर करेंगे आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे वन बाय थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वन बाय थ्री, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाय थ्री आ जाएगा, अब इसको जोड़े तो क्या मिल जाएगा थ्री वटा थ्री कट गया तो वन, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी। नाइन नंबर क्या करा, बिंदु पी और क्यू के स्थिति सदिश क्रमशः ए दिया हुआ है तो वेक्टर पी क्यू ज्ञात कीजिए, तो वेक्टर पी क्यू ज्ञात करना बहुत सिंपल है, तो क्या लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या पी, तो क्यू क्यू तो ए है ना आपका, इसको वेक्टर में लिख दीजिए फोर आई फाइव जे कैप और सिक्स के कैप माइनस वेक्टर पी यह है लिख लो वन आई तो आई लिख सकते हैं प्लस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप, अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा थ्री आई कैप, इसको घटाएंगे तो प्लस में थ्री जे कैप और इसको घटाएं तो प्लस में थ्री के कैप, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दस, क्या करना, बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा करा पी से क्यू की तरफ दृष्ट सदिश ज्ञात है, पी से क्यू तरफ दृष्ट सदिश मतलब वेक्टर में क्या ज्ञात करना पी क्यू, इसका हम लोग सभी जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या कह लेंगे पी,
इसको सूत्र द्वारा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं तो क्या ना, इसको डायरेक्ट इसमें घटा लेंगे, तो इस क्यू इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में 3i कैप, और इसमें घटाएंगे तो माइनस में 5j कैप, और इसको घटाएंगे तो माइनस में 4k कैप। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 11 क्या रहा ना, x अक्ष का दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन है, x अक्ष का दिक कोज्या क्या होता है ना 100 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें करा z अक्ष का दिक कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो z अक्ष का दिक कोज्या होता है 001, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 13 में क्या करा, बाई अक्ष का दिक कोज्या डायरेक्शन कोसाइन, बाई अक्ष का दिक कोज्या क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 0, और यहाँ पे गलत ऑप्शन लिखा गया, इसमें 0 और 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0 0 1 0 होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या सी। अब एक गार दही क्या करा ना 14 में कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहा जा रहा है ज्ञात करने के, मतलब दोनों को जोड़ते, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आई वाले को वाई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आई माइनस जे, और प्लस जे तो क्या मिल जाएगा 0j मिल जाएगा, और के वाले को के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस में के कैप, तो ये मिल गया आई प्लस में के कैप, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आई प्लस में के कैप, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 15 क्या कराना, एल एम एन एक सरल रेखा का दिक को साइन है, दिक को जय है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर क्या होता है 1, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। करा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है मॉट वेक्टर ए स्क्वायर होता है, या इसी को बोल सकते ए स्क्वायर, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। और 17 में क्या करा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बोल सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, करा दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच के कोण थीटा हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। करा ए और बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है दोनों वेक्टर को डॉट कर देते हैं, तो आई वाले को आई के साथ गुना करेंगे क्या मिलेगा 2, तो 2 × 1 2, जे वाले को जे के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, -1 -3 तो प्लस में 3, जे वाले को जे के साथ तो प्लस में 2 माइनस 3 × 2 = 6 - 6 तो प्लस में 6 - 6 क्या आ गया 0, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको डॉट करें तो इसमें 0 होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाना चाहिए 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें डी होगा, ये ऑप्शन सुधार लेंगे, ऑप्शन नंबर यहां 0 है, ऑप्शन डी। 20 क्या कराना, ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, किस पर बी पर, तो ये मॉड बी से क्या करेंगे डिवाइड, ए सूत्र होता है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर बी। यदि ए पर रहता, ए पर रहता तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए, मॉड ए से डिवाइड होता अगर वेक्टर ए पर प्रक्षेप होता, लेकिन किस पे प्रक्षेप है तो वेक्टर बी पर प्रक्षेप है, तो इससे बी से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या रहा ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0, तब वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 हो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तब 3 संभावना पॉसिबल, क्या या वेक्टर ए 0 हो सकता है, या वेक्टर बी 0 हो सकता है, या वेक्टर ए पैरेलल हो सकता है किसके वेक्टर बी के समांतर, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। फिर 22 में क्या कर रहा है कि यदि कोई रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 क्या करना, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है, यदि दो वेक्टर परस्पर लंब होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों वेक्टर का डॉट क्या होता है 0, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए।
आई डॉट आई, अगर सेम यूनिट वेक्टर को डॉट करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वन, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यदि जे डॉट जे करेंगे उसका रिजल्ट भी वन, के डॉट के करते उसका भी रिजल्ट वन, अगर सेम इकाई सदिश को डॉट करने पर उसका रिजल्ट क्या होता है, वन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा आई डॉट जे, इसका रिजल्ट होगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर को, डिफरेंट इकाई सदिश को, मतलब अलग अलग इकाई सदिश को जे डॉट के, अगर अलग अलग इकाई सदिश को गुना करे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो, या आई डॉट के कर दे, दोनों डिफरेंट इकाई सदिश है तो इसका गुणनफल क्या आएगा, जीरो, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया ए। ये 26 में देखिए क्या करा, आई क्रॉस आई, सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो। यदि जे क्रॉस जे कर दे, सेम इकाई सदिश को क्रॉस करने पर उसका रिजल्ट क्या होता है, के, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27, क्या कराना आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस जाए तो ए आई और जे और ए हम लोग लिख लेंगे के। यदि एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के विपरीत दिशा में अगर यहाँ पे मूव करता तो क्या में पॉजिटिव, अगर घड़ी की दिशा मूव करता क्या लेते हैं, नेगेटिव में, तो ए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या रिजल्ट देगा, जे के, के, इसमें ऑप क्या हो जाएगा, के, इसमें ऑप्शन नंबर हो गया ए। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई, तो जे क्रॉस के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई, इसमें ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब एक क्वेश्चन नंबर, अगर इसी में रह जाता के क्रॉस में जे, तो के क्रॉस में जे, तो घड़ी के दिशा में हो गया तो ए होता आई रिजल्ट होता, लेकिन क्या में माइनस लगा के होता, अगर घड़ी की दिशा में होता तो निगेटिव लेते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा होता तो क्या में लेते हैं, पॉजिटिव में। अब इस तरीके से खुद ब सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और 29 नंबर में क्या करा, त्रिभुज की दो भुजा वेक्टर ए वेक्टर बी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता ना, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, बी। 30 में क्या करा, ए और बी के साथ अभिलंब इकाई सदिश, तो ए और बी के साथ अभिलंब इकाई सदिश एन कैप होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 31, क्या करना, यदि कोई असंतर सदिश वेक्टर ए है तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, जीरो, अगर सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। 32 में क्या कर रहा है, ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ, दोनों वेक्टर क्या है, लंब है, यदि दो वेक्टर लंब हो तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ए वन ए टू बी वन बी टू और प्लस में सी वन सी टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यदि दोनों वेक्टर का या ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो है तो दोनों वेक्टर क्या होगा, परस्पर लंब, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ए कह रहा है ना 33 में कि ए और बी दो वेक्टर क्या है, समांतर है, तो दो वेक्टर समानांतर कब होगा, तो दो वेक्टर समानांतर यही ऑप्शन ए इसी क्वेश्चन में यही ऑप्शन होगा, जो ये क्वेश्चन का ऑप्शन है, जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सेम ऑप्शन होगा, तो जब दोनों समांतर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर कब होता है, जब ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू ए हो जाए, तब आपका क्या कहेंगे, दोनों वेक्टर समांतर, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आज की क्लास इतना ही, तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।